हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे साबूदाना से बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसे आप व्रत में बना के खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को किस तरह से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने इस नाश्ते को बनाने के लिए 1 कप बारीक वाला साबूदाना ले लिया है। इसी के साथ हम ले लेंगे 3/4 कप यानी कि 2 बड़े चम्मच मूँगफली। ये कच्ची मूँगफली है। आप चाहे तो यहाँ पे मोटे दाने वाले साबूदाना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी। तो चलिए हम एक पैन डाल देते हैं गैस पे। जब पैन गर्म हो जाए तो यहाँ पे इसमें हम डालेंगे 1 कप साबूदाना। तो यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पे ही साबूदाना को रोस्ट करना है। तो सबसे पहले हम 1 कप साबूदाना को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे कंटिन्यूस चलाते हुए। तो आप बिल्कुल भी हाथ ना रोकें, लगातार चलाएं। हमें इसे कंटिन्यूस चलाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लेना है, जिससे कि इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए और रोस्ट भी हो जाना चाहिए। जब थोड़ी देर हम साबूदाना को रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कच्ची मूँगफली और दोनों को साथ में हम लो फ्लेम रखते हुए रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर लगभग हम 2 मिनट तक साबूदाना और कच्ची मूँगफली को रोस्ट कर लेंगे, जिससे ये जो मूँगफली है ये कुरकुरा हो जाए। और लगातार चलाना है, बिल्कुल लो फ्लेम रखना है। तो 2 मिनट तक रोस्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्च। आप चाहे तो हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा कम खाते हो तो हरी मिर्च कम कर लें, या फिर अगर ज़्यादा खाते हो तो आप हरी मिर्च ज़्यादा रख लें। अब सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए कंटिन्यूस चलाते हुए लो फ्लेम रखते हुए हमें रोस्ट करना है। तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये जो साबूदाना है ये हल्का ना हो जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब ये रोस्ट हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो ये जो साबूदाना का कलर है एकदम वाइट हो जाएगा। और साथ में जब इसे चलाएंगे तो आपको फील होगा कि ये जो साबूदाना है हल्का होने लगा है। तो जब ये अच्छी तरीके से रोस्ट होने लगेगा तो साबूदाना को चलाने से आपको हाथों में फील होगा कि ये हल्का होने लगा है। तो आप समझ जाए कि साबूदाना और ये जो कच्ची मूँगफली है ये रोस्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हो, ये देखिए साबूदाना का कलर भी चेंज हो गया है और साबूदाना का जो साइज़ था थोड़ा सा दुगुना हो गया। सामने से दिखा देते हैं। तो हमारा ये साबूदाना रोस्ट हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर दें और ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तो 10 मिनट हो चुका है, ये रोस्टेड साबूदाना मूँगफली ये ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और इस ग्राइंडिंग जार में हम रोस्टेड साबूदाना को हम इस ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिले। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में प्लीज़ शेयर करें। तो सारे के सारे रोस्टेड साबूदाना को हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम 1 बॉइल्ड आलू इसमें हम डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 बॉइल्ड आलू पहले से बॉइल करके रख लिया था और इसके छिलके भी हमने निकाल लिया था। अब इसे हम रफली तोड़ करके हम इसमें हम डाल देंगे। इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप आलू को स्किप ना करें, आप आलू इसमें ज़रूर ऐड करें। तो बॉइल आलू को मैश करते हुए डालने के बाद ढक्कन लगाकर इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो हमने इसमें ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लिया है। तो ये इस तरह से ग्राइंड हो गया है। तो अभी ये पूरी तरह से ग्राइंड नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे हम इसमें पानी डालकर 1 से 2 बार और ग्राइंड करेंगे। तो ये जो साबूदाना है ये पानी बहुत ही ज़्यादा एब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग 2 कप पानी डाल दिया है। अब स्पून से चला के देख लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक है, ये ग्राइंड नहीं होगा, इसमें थोड़ी और पानी हमें मिलाना होगा। तो यहाँ पे हम 1 कप पानी और मिला लेंगे। तो 1 कप पानी और इसमें हम डाल देते हैं और डालने के बाद हम इसे स्पून से मिला लेंगे ग्राइंड करने से पहले। तो लगभग यहाँ पे हमने 3 कप पानी डाला है और ये देखिए हमने यहाँ पे 1 स्पून से इसे मिला लिया है। ग्राइंड करने से पहले आप पानी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें, वरना अगर आप ऐसे ही ग्राइंड करने जाएंगे तो आपकी मिक्स ही ख़राब भी हो सकती है। तो हम इसमें पानी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट है। चले इसमें हम ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। 1-2 बार ग्राइंड कर लेंगे तो
हमने इसमें ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड कर लिया है। ये पेस्ट में बदल चुका है। ये देखिए चम्मच से हम इसे चला के देख लेते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमारा ये मिक्सचर ग्राइंड हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे, बड़ा सा बाउल ले लेंगे और उसमें हम इस पेस्ट को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और तैयार किए गए साबूदाना के पेस्ट को हम इसमें निकाल लेंगे। अब यहाँ पे पेस्ट को बाउल में निकालने के बाद इस तरह से स्पून से हम इसे चला के देख लेते हैं और इसमें जो भी गुठलियाँ होगी इस तरह से ये मिक्स हो जाएगा। तो स्पून से हम थोड़ी देर इसे चला लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हमने लिए हैं सामा चावल के आटे 3/4 कप, 2 बड़े चम्मच और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून के करीब साबुत जीरा और ये सेंधा नमक है। टेस्ट के अनुसार यहाँ पे नमक डालें। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है। अगर आप चाहे तो सेंधा नमक की जगह जो रोज़ में आप नमक खाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर ले। अभी यहाँ पे इसमें हम पानी डालेंगे। एक बार में आप ज़्यादा पानी ना डालें, हमें थोड़े थोड़े पानी डालकर स्पून से चलाकर इसकी कंसिस्टेंसी देखते हुए हमें इसमें पानी डालना है। तो हम थोड़े पानी डालेंगे और एक स्पून से हम इसे घोल लेंगे, इस तरह से चला लेंगे। जिस तरह से हम बेसन वगैरह के घोल जो तैयार करते हैं उसी तरह हमें इसका घोल तैयार करना है। जिस तरह से आप डोसा बैटर तैयार करते हैं बस उसी तरह हमें इसको भी तैयार करना है। तो इसका जो कंसिस्टेंसी है थोड़ा थिक लग रहा था, थोड़े पानी हमने यहाँ पे और डाल दिया है और स्पून से चला के हम देख लेंगे और इसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह होगी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने हैंड बीटर ले लिया है, इससे क्या होगा कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होंगी। तो आपके पास अगर हैंड बीटर हो तो आप उसका इस्तेमाल कर ले या फिर स्पून से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। हैंड बीटर से रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ा थिक लग रही थी, हमने थोड़े से पानी और डाला था, उसके बाद यहाँ पे हम हैंड बीटर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा कर इसमें हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर डाल देंगे। तो जब तक हमारा बैटर रेस्ट पे है इसी बीच हम वरद के आलू तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे और गैस को ऑन कर लेते हैं। गैस पे पैन डाल देंगे। जब पैन गर्म हो जाए तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल करें तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल जब गर्म हो जाए तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब साबुत ज़ीरा। ज़ीरा को थोड़ा सा तरकने देंगे और तरकने के बाद यहाँ पे हम 1 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह से घिस करके इसमें डालेंगे। आप ये अदरक ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप बिल्कुल भी आदि को यानी अदरक को स्किप ना करें। तो इस तरह से हमने 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके इसमें हमने डाल दिया है। आप चाहे तो बारीक काट कर भी इसमें डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे हम 3 से 4 हरी मिर्च काट कर इसमें डाला है। तो हरी मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार रख सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे थोड़े से 5 से 6 करी पत्ते। तो हमने ये फ्रिज में स्टोर वाले करी पत्ते का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ताज़े करी पत्ती हो तो आप वो डालें। और अब यहाँ पे हम लो फ्लेम रखते हुए थोड़ी देर इन चीज़ों को हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे बॉयल्ड आलू इसमें डालेंगे। तो हमने पहले से ही 3-4 आलू को बॉयल करके छिलके निकाल कर उसे हम छोटे छोटे पीस में काट कर रख लिया था। अभी यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून के करीब सेंधा नमक डाला है। और अब यहाँ पर हम एक स्पैचुला ले लेंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से आलू में मिक्स करते हुए हमें आलू को भूनना है। तब तक हमें भूनना है जब तक कि आलू के ऊपर हल्का सा सुनहरा कलर ना आ जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये देखिए आलू के ऊपर हल्का हल्का सुनहरा कलर आने लगा है। गैस का फ्लेम लो रखना है और कंटिन्यूस चलाते रहना है। तो हमारा आलू का कलर सुनहरा हो चुका है। अब यहाँ पर हम थोड़े से नींबू के फांक ले लेंगे और इस तरह से निचोड़ कर इसमें नींबू डाल देंगे। इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप ज़रूर नींबू डालें, स्किप ना करें। और ये हमारा आलू अच्छी तरह से तैयार है। तो हल्का सा हम इसे चलाकर नींबू को मिक्स कर लेते हैं गैस का फ्लेम लो रखते हुए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कटी हुई बारीक धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। तो हमारा ये वरद वाला आलू बिल्कुल तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में, आप ज़रूर बनाएं। तो सारे के सारे आलू को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिले। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी प्लीज़ शेयर करें, और नहीं भी पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए, आलू भी हमारा तैयार है, अब हम बैटर ले लेते हैं। हमने जो फूलने के लिए डाला था तो ये हमारा बैटर अच्छी तरह से फूल चुका है। स्पून से हम एक बार इसे मिला लेते हैं। तो अब हम इसका नाश्ता बना लेते हैं। यहाँ पे हमने नॉन स्टिक तवा गैस पे डाला है लो फ्लेम पे, और ये गर्म हुआ है कि या नहीं इसमें ऊपर हम थोड़े से पानी इस तरह से छिड़क कर देख लेंगे। तो हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम बैटर को बीच सेंटर पे, तवा के बीच सेंटर पे डालेंगे। और एक यहाँ पे हमने करछुल का इस्तेमाल किया है, इस तरह से गोल वाले चम्मच का आप ले लें, और इसके जो पिछले वाले भाग होते हैं उसी से हमें हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे डोसा की तरह फैला लेना है। जिस तरह से आप डोसा फैलाते हैं ना, बस उसी तरह हमें इसका भी बैटर को फैला लेना है। ये देखिए बिल्कुल आसानी से हो जाता है। तो शुरुआत में हम थोड़ा सा गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और कुछ सेकेंड बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। तो हमें इस नाश्ते को मीडियम से हाई फ्लेम रखते हुए नाश्ता को बनाकर तैयार करना है। अभी यहाँ पे हम तवा को थोड़ा सा इधर उधर करते हुए चारों तरफ से अच्छी तरह से हम इसे सेकेंगे, जिससे जो ये नाश्ता है, नाश्ता का कलर एक बराबर आए और चारों तरफ से अच्छी तरह से कुक हो। तो आप इस तरह से तवा को घुमा घुमा कर आप इस नाश्ते को तैयार करें। और जब ऊपर से ये जो है अच्छे से पक जाए, आपको लगे इसका कलर हल्का सा चेंज हो है और ऊपर से बिल्कुल पानी ना दिखे, तो यहाँ पे हम हल्का सा रिफाइंड ऑयल या फिर आप घी का हल्का हल्का सा इस तरह से आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ज़्यादा घी और ऑयल नहीं लगाना है, हल्का हल्का सा ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमने थोड़े से रिफाइंड ऑयल इसके ऊपर लगा लिया है। उसके बाद फिर से हम तवा को इस तरह से चूल्हे पर घुमा घुमा कर चारों तरफ से हम इसे पकाएंगे। तब तक हमें पकाना है जब तक कि इसका कलर सुनहरा ना हो। ये जब अच्छी तरीके से पक जाएगा तो आप ऊपर से देखेंगे कि इसका कलर चेंज होने लगा है, इसका कलर हल्का हल्का सुनहरा होने लगा है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो आप देख सकते हो इसका कलर चेंज होने लगा है। ये देखें, इसका जो पिछला हिस्सा है वो हल्का सा सुनहरा हो गया है, यानी कि हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार है। तो अब यहाँ पर हम इसे पलट लेंगे, इससे क्या होगा ये जो ऊपर वाला भाग है वो भी हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। तो चलिए हम स्पैचुला से इसे पलट लेते हैं, फ्लिप कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो थोड़ी देर बाद हम फिर से वापस पलट लेंगे। ये देखिए इसे क्या होगा, ये जो साबुदाना है थोड़ा सा चिपचिपा होता है, इस तरह से पलट कर सेकेंगे तो चिपचिपाहट कम हो जाएगी। अब फोल्ड कर लेते हैं डोसा की तरह और एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो इसे हम प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। आप इसे डोसा या फिर चिला, जिससे भी नाम से आप बुलाना चाहें आप बुला सकते हैं। उसके बाद हम बाकी के बचे हुए बैटर से भी नाश्ते को तैयार कर लेंगे। सेम स्टेप फॉलो करना है, गैस का फ्लेम डालते समय लो कर लेना है और इस तरह से हल्के हल्के से चम्मच को हिलाते हुए हमें बैटर को तवे के ऊपर फैला लेना है। जब ऊपर से पानी सूख जाए उसके बाद हम उसके ऊपर घी या फिर ऑयल लगा लेंगे। ज़्यादा ऑयल और घी नहीं लगाना है, हल्का हल्का सा ऑयल और घी लगा ले। उसके बाद हम शुरुआत में हाई फ्लेम कर लेंगे, थोड़ी देर बाद हम मीडियम फ्लेम रखते हुए इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे नाश्ते को इसी तरह हमें तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए, हमने नाश्ता को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप चाहे तो हमने जो व्रत वाले आलू तैयार किए थे आप इसके डोसे के अंदर इस तरह से रख के भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे अलग से रख कर सर्व करके आप खा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डोसे के अंदर आलू को इसके अंदर डाल दिया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और फिर से हम इसे फोल्ड कर देंगे और जो बाकी के जो बचे आलू है सर्विंग प्लेट में हम साइड में डाल देंगे। जिसको जिस तरह से खाना पसंद हो उस तरह से ये नाश्ता खा सकते हैं। आप चाहे तो डोसे के अंदर आलू डालकर खाएं या फिर बाहर से लगाकर खाएं। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर और बिल्कुल परफेक्ट साबुदाना डोसा हमारा बनकर तैयार है, एकदम करंची
और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इस नाश्ते को खाने के लिए आप व्रत की ऐसे ही बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये और सभी को पसंद आएगा। आप चाहे तो इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। और यहाँ पे हमने नारियल और हरी धनिया पत्ती की चटनी के साथ सर्व किया है। और ये देखिए हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और इसे हम तोड़कर भी दिखाएंगे कि ये यहाँ पे कितना क्रंची बनकर तैयार हुआ है। तो थोड़े से पार्ट हम इस नाश्ते में से तोड़ लेते हैं और सामने से आपको दिखा देते हैं कि ये बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होती है, एकदम क्रंची। तो मैं इसे थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली आपके पास पहले आए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।